भारत सरकार ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा है जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की बात कही है। बताइए, भारत का एक नोटिस देख के पाकिस्तानियों की नींद थोड़ी खराब होने वाली है। भारत ने नोटिस भेजा है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर और पाकिस्तानियों को बोला है कि देखिए साहब, ऐसा है, ये बहुत टाइम से बेवकूफी चल रही है, वी नीड टू स्टार्ट अमेंडिंग इट। और ये बेसिकली आपको मैं बताऊं कि साहब, दूसरी बारी आपने 2024 में पाकिस्तान को ये नोटिस भेजा है। भारत जो है उसने इंडस वाटर ट्रीटी के मामले में पाकिस्तान को एक और नोटिस भेज दिया है। भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान को कि भैया हम क्यों ना इसे रिकंसीडर करें। इससे पहले भी जब नोटिस भेजा था तो पाकिस्तान ने उसका रिप्लाई नहीं किया। जो भी कह लीजिए, ये नोटिस के बाद वर्ल्ड बैंक ने दोबारा से एक एक्सपर्ट मैकेनिज्म और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के तहत जो भी उसके रूल्स है उसके तहत एक मैकेनिज्म को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और जब उन्होंने बोला है भारत के साथ एक्चुअली आवाज मिला के बोला है कि रिकंसीडरेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को आगे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये भारत का राइट है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। तो देखे और ये अपडेट देखे और स्पेशली भारत का एक नोटिस देख के पाकिस्तानियों की नींद थोड़ी खराब होने वाली है। भारत ने नोटिस भेजा है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर और पाकिस्तानियों को बोला है कि देखिए साहब, ऐसा है, ये बहुत टाइम से बेवकूफी चल रही है, वी नीड टू स्टार्ट अमेंडिंग इट। और ये बेसिकली आपको मैं बताऊं कि साहब, दूसरी बारी आपने 2024 में पाकिस्तान को ये नोटिस भेजा है। पहली बारी पाकिस्तान को ये नोटिस भेजा था, उनको बोला था कि भाई 30 दिन में आपने जवाब देना है, पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। और ये एक बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ अ लीगल डांस है जो भारत खेल रहा है पाकिस्तान के साथ, बिकॉज एक टाइम के बाद एम्पल नोटिस देने के बाद फिर आपके पास एक आर्बिट्ररी डिसीजंस लेने के लिए और आप अपने आप डिसीजंस लेने के लिए आप अपने आप को सेट कर सकते हैं। पाकिस्तान ने बोला है कि देखिए, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको रिव्यू करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये एक अनफेयर है। भारत के पास जितना लैंड एरिया है और जहां पर रिवर्स एक्चुअली ओरिजिनेट करती है, भारत के पास यूटिलाइजेशन जो शेयर है वो बहुत कम है। ये नोटिस दोबारा भेजा गया पाकिस्तान को 30 अगस्त 2024 को, जहां पर भारत ने बोला है कि साहब, जो आर्टिकल 12 क्लॉज 3 है उसके अंदर जहां पर अमेंडमेंट्स और चेंजेस के बारे में लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई देश अमेंडमेंट और चेंज करना चाहता है तब दोनों गवर्नमेंट्स को बैठ के नेगोशिएशन करके इस दूसरे देश की जो भी कहानी है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने आपको बताया, भारत बार बार बोलता रहता है कि भाई ये ट्रीटी वन साइडेड है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जितने भी प्रोविजंस जो पहले साइन किए गए थे, वी डोंट अग्री विद देम एनीमोर। भारत ने ये भी बोला है कि साहब, आप लोग तो टेररिज्म प्रमोट करते हो और उल्टे सीधे काम करते हो भारत के अंदर, आपको लगता है कि ये सब करने के बाद हम आपके साथ ऐसी कोई ट्रीटी को ऑनर करेंगे, ये आपको गलत लगता है। इंडस सिस्टम जो है उसके अंदर 4-5 रिवर्स आती है जिनका नाम है इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी हमारे नेहरू चिच्चा जी के साथ हुई थी 1960 में। आपको समझ में आना चाहिए कि साहब, 1960 में चिच्चा जी ने जो गलती करी थी आज तक हम उसका भुगतान दे रहे हैं। 1950 में चाइना के साथ जो उल्टे काम करे थे आज तक हम उसका भुगतान दे रहे हैं। 1960 में पाकिस्तान के साथ जो उल्टे काम करे आज तक हम उसका भुगतान दे रहे हैं। और यहां पर आप देखिए, 1971 के अंदर जब हमने पाकिस्तान की लिटरली पतलूनों उतार दी थी, 93,000 सोल्जर्स उनके हमारे पास थे पास में, लेकिन हमारी सो कॉल्ड आयरन लेडी जिसके बारे में काफी लोग माला जपते हैं, उनके दिमाग में ये नहीं आया कि ये ट्रीटी को रीनेगोशिएट किया जाए। अरे ये ट्रीटी तो छोड़िए, उनके दिमाग में ये नहीं आया कि भैया अपना बांग्लादेश का चिकन नेक को रिजोल्व किया जाए। अरे चलिए वो भी छोड़िए, इनके दिमाग में ये नहीं आया कि जो हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर वहां पर है उनको वापस लाया जाए। तो ये सोच लीजिए कितने नेशनलिस्ट थे इन लोगों ने जिन्होंने ये ट्रीटी साइन करी, और आज जिनके वंशज आज हमारे सिर पे मंडराते हैं उनके बारे में तो क्या कुछ बोले, तो वो तो कम ही रहेगा। इसके अंदर ये जो ट्रीटी साइन हुई थी उसके अंदर बोला था जो ईस्टर्न रिवर्स हैं सतलुज, ब्यास, रावी, जो 33 मिलियन एकर्स है वो भारत के पास था, एंड पाकिस्तान के पास वेस्टर्न रिवर्स में इंडस, झेलम और चिनाब में 135 मिलियन एकर फीट पानी था। नो आप देखिए, आपके पास कितना 33 और उसके पास कितना 135। देश का साइज जरा देखिए, एक्चुअली 135 हमारे पास होना चाहिए और 33 होना चाहिए पाकिस्तान के पास, बट हमारे जो लोग थे उस टाइम पे पाकिस्तान के प्यार में इतने इतने बह गए थे कि अब क्या बोले।
भारत ने आज बोला है कि देखिए ये ट्रीटी को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स चेंज हो गए हैं, हमारी एक नीड है डेवलपमेंट की, हमारी एक नीड है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, और हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उसको हमको सॉर्ट आउट करने के लिए ये ट्रीटी को हमको चेंज करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर क्वेश्चन। अब देखिए ये बार 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 पाकिस्तानियों की तरफ से एक ऑब्जेक्शन आता है, और जो बाय द वे ट्रीटी के अंदर है कि अगर भारत कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाएगा, जैसे किशनगंगा के ऊपर आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक या हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया, अब पाकिस्तान उसमें आके हमेशा अड़ंगा डालता है। बाय द वे दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रीटी, तो वो अपने जो भी है वो ट्रीटी के अंदर जो लिखा हुआ है, जो आपने साइन करा है उसके हिसाब से वो आपको तंग करते रहते हैं। जो भी कह लीजिए, ये नोटिस के बाद वर्ल्ड बैंक ने दोबारा से एक एक्सपर्ट मैकेनिज्म और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के तहत जो भी उसके रूल्स हैं उसके तहत एक मैकेनिज्म को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, और जब उन्होंने बोला है भारत के साथ एक्चुअली आवाज मिला के बोला है कि रिकंसिडरेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत का राइट है कि साहब इफ देयर इज अ प्रॉब्लम दैट वी सी एंड इफ इट्स अ वैलिड प्रॉब्लम हमको रेजोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा अंडर आर्बिट्रेशन। अब देखिए इतना जो भी वो ट्रीटी है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, जितना टाइम तक कर सकते हैं करेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब भारत बोलेगा यार देखो ऐसा है बाढ़ में जाओ, तुमको करना है करो, नहीं करना भाग जाओ यहां से, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम अपने आप जो करना है हम करेंगे, उसके बाद आप देख लीजिए। भारत को पूरी तरह से राइट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट्स करने का इन द वेस्टर्न रिवर्स, लेकिन पाकिस्तान जैसे मैंने आपको बताया हैज द राइट ऑफ ऑब्जेक्शंस। पाकिस्तान के पास 80% इंडस वाटर का ड्रेनेज आता है। भारत जो है उसने इंडस वाटर ट्रीटी के मामले में पाकिस्तान को एक और नोटिस भेज दिया है, और लिटरली बिल्कुल सही बात है कि भाई नोटिस भेज दिया, और जिस तरीके से नोटिस भेजा है वो देखने लायक बात भी है कि भाई अल्टीमेटली भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान को कि भैया हम क्यों ना इसे रिकंसिडर करें। इस मेरी जो सोच है वो इस टाइम भारत सरकार जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी का मामला है ये भारत और पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि बांग्लादेश को भी डिफाइन कर रहा है कि असलियत में भारत की बांग्लादेश को लेकर आगे पॉलिसी क्या होगी, क्या भारत जो है आगे आने वाले टाइम में वाटर वॉर्स को डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा है, या यूं कहें कि एक प्रकार का जल युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहा है। हम इस चीज पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि अल्टीमेटली भारत की यहां पर पॉलिसी क्या है, कि यहां क्या सिर्फ ये जो इंडस वाटर ट्रीटी वाला मामला है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, या सिमिलर ट्रीटी आगे आने वाले टाइम में बांग्लादेश के लिए भी इस्तेमाल होने जा रही है। क्योंकि मुझे भारत सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें अलग ही लेवल का एक स्टैंड इस टाइम पर नजर आ रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।